कोतवाली थाना क्षेत्र के हजारीपुर स्थित एक अपार्टमेंट में किराए पर रहने वाले शराफा व्यापारी की पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतिका अपने पति और दो बच्चों के साथ रहती थी। मंगलवार सुबह 11:15 बजे अनुपम कुशवाहा ने संदिग्ध परिस्थितियों में अपनी पत्नी नीलम को देखा और नीलम के घर वालों को फोन करके घटना की जानकारी दी। परिवार वाले आनंद फानन में नीलम को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतिका के भाई ने घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर पुलिस अग्रिम कार्रवाई करेगी। कोई नहीं मारेगा बेटा क्या हुआ तुम स्कूल थे क्या? अबे मम्मी हमको छोड़ी भी है स्कूल के तो छोड़ना था। अरे बाप रे बाप, कैसे दवाइयाँ कम हो बचवा ने रोआ आपका। शुभम क्या हुआ है आपकी बहन के साथ? अरे नाराज भी हुआ, मेरे हस्बैंड ने बहुत ही बुरी तरीके से जब से शादी हुई तब से बहुत ज़्यादा परेशान करते थे हमको, मारते पीटते थे। आज कुछ ऐसी मालूम क्या कंडीशन आ गया कि जिसकी वजह से उन्होंने फांसी लगा दिया। क्या नाम है आपके? बहन का नाम नीलम कुशवाहा है। उनके पति का? अनुपम कुशवाहा। क्या करते हैं ये? उनके सराफे की दुकान है घंटाघर में। तहरीर दिया है? हाँ दिया हुआ है। अब पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि क्या क्या सही है क्या गलत है, कि फांसी लगा के मरी है कि क्या हुआ है।